केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों देश के कोने कोने में पहुंच रही है। यह यात्रा उस स्थान पर पहुंच रही है जहां लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूकता कम है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा का डिजिटल रथ भी इन स्थानों पर पहुंच रहा है। मंगलवार को बैठमा नगर परिषद में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा शशि जायसवाल और आमंत्रित जनप्रतिनिधियों ने शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में नागरिकों को बताया। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा खेतों में चली ड्रोन द्वारा आधुनिक खेती के लिए ड्रोन के विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर लाडली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ ही जन सामान्य को योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूं या लेती हूं? हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की घर घर समृद्धि आए। एक दशक पहले मध्य प्रदेश के महिलाओं की रसोई भरी होती थी काले धुएं से। संकल्प था रसोई में सेहत की सुरक्षा। अब 82 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन ने काले धुएं को मिटाया है। याद है जब आवास योजनाएं गरीबों के लिए सिर्फ नाम की होती थी? संकल्प था सपनों को पूरा करना। आज पीएम आवास योजना द्वारा मध्य प्रदेश में सभी सुविधा युक्त 43,45,000 से अधिक घरों का हुआ है निर्माण। और मध्य प्रदेश सरकार की विकसित भारत योजना के अंतर्गत नगर परिषद बेटमा में मनीषा शशि जायसवाल के निर्देशन में और हमारे विधायक इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मनोज पटेल जी के सहयोग और निर्देश से यह आयोजन किया गया। उसके अंतर्गत आज लाडली बहना योजना, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, बैंक से जो है संबंधित, वो कृषि विभाग से संबंधित, साथ में महिला बाल विकास और सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उन हितग्राहियों को, बेटमा नगर के जो हितग्राही हैं, उनको उस योजना का उद्देश्य बताया, योजना से क्या क्या लाभ मिलने वाले, लाभ बताया। साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज नगर परिषद बेटमा में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई, साथ ही लोगों को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदान किया गया, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 10,000 का लोन, 20,000 का लोन, 50,000 का लोन के स्वीकृति पत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बताए गए। लगभग 30 ग्राहियों को इसमें लाभान्वित किया गया। साथ ही उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3 ग्राहियों को गैस कनेक्शन भी मंच के माध्यम से प्रदान किया गया, और लाडली लक्ष्मी योजना के ग्राहियों को भी इसमें लाभान्वित किया गया और विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों, विभिन्न पंचायतों और विभिन्न नगर परिषदों के अंदर ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज बेटमा नगर परिषद के अंदर आज संकल्प यात्रा आई है। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि जो नगर की या मध्य प्रदेश की जो जनता है, उस जनता को अधिक से अधिक योजनाओं के बारे में जानकारी मिले। जो जनता इस योजनाओं से वंचित रह गई है, वो वापिस से इन योजनाओं के समझ के अपना अपना नाम ऐड करवाएं। और मोदी जी का और माननीय हमारे विधायक मनोज जी पटेल का, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव का उद्देश्य है कि जितनी भी योजनाएं हैं, हर व्यक्ति के घर घर तक ये योजनाएं पहुँचे। इसी उद्देश्य के तहत आज ये विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा बेटमा नगर के अंदर ही थी। इस यात्रा के अंदर पधारे हमारे सभी पत्रकार बंधु, पार्षद बंधु और बेटमा नगर की जनता और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम, हमारे कृषि विभाग की टीम, बाल विकास की टीम और सभी जगह की टीम जो पधारी, उन सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।